दोस्तों, स्वागत बाटे रोहसब के हमार खास प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स में। ए प्रोग्राम में हम बताई ले इंडस्ट्री स्टार लोग से जुड़ल कुछ गॉसिपिंग भरल खबर जले के एक बार फिर से हम रोहसब खातिर हाजिर बनी। तो चली शुरुआत कर जाओ, जानल जाओ पहला खबर रितेश पांडे से जुड़ल बटे। कहे के रितेश पांडे के आम्रपाली का साथे हाल ही में मस्ती फिल्म के सेट पर देखल गई बटे। रोहसब तो ये बात जनबे करी नहीं जा कि पहला बार आम्रपाली रितेश का साथे अपन नया फिल्म के शूटिंग कर रहा बड़ी, जेका नाम बटे सैया थानेदार। सैया बलमू पर आजकल बहुत फिल्म बन रहा बा। खेसारी के बलम जी लव यू आइल, तब ले निरहुआ साइन कर दिले अंजना सिंह के साथ लव यू सांवरिया। आ तब ले रितेश आम्रपाली के नया फिल्म आ गई बटे सैया थानेदार। तो देखल बहुत दिलचस्प होके वाला बा, काहे कि हीरोइन लोग खातिर सैया खातिर बहुत फिल्म बन रहा बा। तो ए लोग के शूटिंग से जुड़ल और भी कई सारा तस्वीर आई। कहीं के देखी जब अक्षरा रितेश के साथ शूटिंग करत रही हो तो वह घरिया के दोनों लोग के किसिंग सीन के जाए कई सारा तस्वीर देखे के मिलल। तो जब रानी चटर्जी के साथ रितेश पांडे शूटिंग करत रहे हो, ओहो घरिया के बहुत ज़्यादा पसंद कल गए रहे जोड़ी रानी या रितेश के। लेकिन अब आम्रपाली के साथ कितना पसंद कल जाता इहो देखे वाला बात हो के। लेकिन फिलहाल हमें दोनों जना के मस्ती से जुड़ा लेको खास खबर दिखा देता नहीं देखी। Start your career with us. भोजपुरी सिनेमा की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे इस समय पर अपनी फिल्म सैया थानेदार की शूटिंग में व्यस्त है। लेकिन इसी के साथ आम्रपाली दुबे और रितेश पांडे एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते हुए अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आज सोशल मीडिया पर आम्रपाली और रितेश दोनों ने इस फिल्म के सेट से तस्वीरें शेयर की, जिस तस्वीरों में जहां रितेश ने फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में लिखा, आई थिंक आई एम रेडी फॉर माई क्लोजअप, हैप्पीली शूटिंग थर्ड डे सैया थानेदार। तो वहीं आम्रपाली दुबे ने भी सोशल मीडिया पर शूटिंग के दौरान की फोटो शेयर करते हुए, जिस फोटो में आम्रपाली और रितेश अपनी शूटिंग की फाइनल शॉट को देख रहे हैं और काफी ज्यादा हंस रहे हैं। साथ ही आम्रपाली दुबे ने कैप्शन बॉक्स में लिखा है, व्हेन आई लव योर जॉब एंड फाइनली आफ्टर जेलेंस ऑफ रिटेक यू फील हैप्पी सैया थानेदार। यानी कि आम्रपाली जब भी अपनी शूटिंग के दौरान रिटेक लेती हैं तो उन्हें खुशी होती है और उन्हें कुछ नया नया जरूर सीखने को मिलता है। खेसारी का दो गो गाना सोशल मीडिया पर बहुत धमाल मचा रहा बा। खाली ई दो गो गाना नहीं खे, ऐसे तो बहुत सारा फिल्म ट्रेलर गाना बटे, लेकिन हम खाली दुइये गो गाना के जिक्र करे जा रहे बनी जे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद कल जाता। कौन बाटे वो दो गो गाना, कितना पसंद कल जाता आ के बा वो गाना में खेसारी के साथ फीमेल सिंगर का रूप में चाहे फीमेल एक्टर का रूप में देखी। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस फिल्म का नाम है बलम जी लव यू। जिस फिल्म में खेसारी लाल यादव काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, स्मृति सिन्हा और शुभी शर्मा के साथ है। और इस फिल्म के ट्रेलर के बाद जहां अब तक आप लोगों ने खेसारी के एक्शन के साथ खेसारी काजल के रोमांस का जिक्र सुना है, तो वहीं आज इस ट्रेलर को लेकर के उसकी तुलना सीधा बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान से किया जा रहा है। जी हां, कई जगह पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से सलमान खान अपनी फिल्म सुल्तान में कुश्ती करते हुए नजर आए थे, वैसे ही दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव की इस फिल्म ने अपनी कुश्ती से लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश की है। और काजल के साथ रोमांस गाने के बाद खेसारी के इस फिल्म में उनकी पहलवानी ही है जो इसकी फिल्म की कहानी को हटकर बनाती है। और खेसारी के इसी अंदाज से उनकी फिल्म को कमाई के मामले में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और शायद सलमान खान को भी टक्कर दे सकता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की कुछ महीने पहले फिल्म राजा जानी रिलीज हुई थी, जिस फिल्म में खेसारी के साथ दो नई हीरोइन नजर आईं, जिसमें से पहली हीरोइन का नाम है प्रीति विश्वास, जो कि खेसारी के साथ काम करने के बाद वो अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ फिल्म राजा की शूटिंग कर रही हैं। तो वहीं खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा जानी में एक और नई हीरोइन का किरदार था, जिनका नाम है देव स्मृति बनर्जी, जो कि फिल्म में काम करने के बाद अब वो इन दिनों UAI लॉस एजेंट्स ऑफ लॉस वेगास में इन दिनों छुट्टियां मना रही हैं, जिसकी कई तस्वीर भी उन्होंने फेसबुक पर शेयर की है।
वैसे आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि देव स्मृता बनर्जी ने जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है वो उन तस्वीरों में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और न्यू मॉडल की में लग रही है। और फिलहाल तो देव स्मृता से जुड़ी किसी नई फिल्म से जुड़ी जानकारी नहीं आई है, लेकिन उनकी एक ही फिल्म से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। जैसे जैसे बलम जी लव यू के रिलीज होके के डेट सामने आ रहल बा, वैसे वैसे खेसारी के सलमान का साथे तुलना के खबर भी सामने आ रहल बा। वो सब जानत होगम कि खेसारी लाल के बलम जी लव यू भी रिलीज हो जाए ये महीना में दशहरा के मौके पर। तो वही जब से फिल्म बनती है बलम जी लव यू, तब से एक जितना सीन आयल वो सलमान खान के फिल्म सुल्तान से मिलत रहे, तो यही से दोनों लोग के जब तुलना कर जाता फिल्म के लेके चाहे पर्सनैलिटी के लेके, उससे जुड़ल एगो खास खबर दिखा देता नहीं। देखी स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की कल एक साथ सोशल मीडिया पर दो दो गाने रिलीज हो चुके थे। जी हां, जहां 24 सितंबर को शाम को सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार का प्रमोशनल गाना रिलीज किया गया, जिस गाने के बोल थे पागल बने वे का पतर की पागल बने वे का। जिस गाने को ऑडियो में रिलीज किया गया था और अब तक इस गाने को ऑडियो में रिलीज किए गए हैं, और ऑडियो में रिलीज होने के बावजूद अभी तक उस गाने को करीबन 18 लाख बार सुना जा चुका है। वहीं 25 सितंबर की सुबह खेसारी लाल यादव के इस गाने के बाद उनका एक और एल्बम गाना रिलीज किया गया, जिस गाने के बोल थे प्रेमिका ना मिलल। जिस गाने का ऑडियो पहले ही रिलीज हो चुका था और उस गाने का वीडियो उस दिन रिलीज किया गया, और उस वीडियो सॉन्ग को अब तक करीबन 12 लाख बार सुना जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो खेसारी के एक साथ दो दो गाने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। नवरात्रों के त्योहार में दशहरे के मौके पर रिलीज होंगी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टारों की फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकरा भी सकती हैं। आप लोग इन फिल्मों का नाम भी जानते होंगे, क्योंकि इन फिल्मों में टकराने की श्रेणी में खेसारी लाल और प्रदीप पांडे चिंटू ही है। जी हाँ, क्योंकि एक तरह जहां खेसारी लाल की फिल्म दबंग सरकार और बलम जी लव यू रिलीज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदीप पांडे चिंटू की एक्शन स्टारर फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 भी रिलीज होगी। अब ऐसे में दोनों के फैंस को इंतजार है इस टकराव का और देखने का, लेकिन उससे पहले हम अंदाजा लगा सकते हैं सोशल मीडिया पर रिलीज होने वाले दोनों फिल्मों के ट्रेलर को लेकर कि दर्शकों की किस फिल्म पर प्रतिक्रिया सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा आई है। अगर फिल्म सबसे पहले खेसारी की दबंग सरकार की बात करें, तो इस फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर 3 हफ्ते में 3 मिलियन लोगों ने देख लिया है। तो वहीं बलम जी लव यू के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर बात करें तो सिर्फ 4 दिन में 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। तो वहीं अगर चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 के ट्रेलर की बात की जाए, तो 1 महीने में इस फिल्म के ट्रेलर को 2 मिलियन लोगों ने देखा। वहीं चिंटू की फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर 1 सप्ताह में 2 मिलियन लोगों ने देख लिया है। दोनों के ट्रेलर के व्यूज को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी की फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह से अच्छे व्यूज मिले हैं, हो सकता है सिनेमा घर में जब इनकी फिल्म रिलीज हो तब भी खेसारी ही बाजी मार जाए। अरविंद अकेला कल्लू का साथ है एगो नया अभिनेत्री की एंट्री भइल बटे, जिनका नाम बटे यामिनी सिंह। यामिनी सिंह कल्लू का अलावे पवन का साथी भी बॉस फिल्म साइन कर देले बड़ी, एकरा अलावे काफी सारा फिल्म कर रहल बड़ी, लेकिन कल्लू का साथ है उनका नजदीकी या दोस्ती कुछ ज्यादा बटे। यही से कल्लू का साथ है उनका बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पर देखे के मिल रहा बा, जे वीडियो में दोनों लोग के नजदीकी भी साफ साफ देखे के मिला था। हाल ही में दोनों लोग एगो फनी वीडियो शेयर कर ले रख, लेकिन एक बार फिर से एगो वीडियो आयल बटे जमें यामिनी के कल्लू गला लगावत नजर आयल बड़े। इतना नजदीकी तो निशा दुबे के साथों ना देखे के मिलल जितना यामिनी के साथ एक महीना में देखे के मिल रहा बा। दाल में जरूर कुछ खाला बटे, हो सका था ये दाल में काला फिल्म में हो रियल में ना, लेकिन दोनों लोग के जोड़ी या केमिस्ट्री के सोशल मीडिया पर बहुत पसंद कर जाता। देखी स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर
जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू को अब छोटा कहना शायद गलत होगा, क्योंकि इस समय पर कल्लू नई हीरोइन यामिनी सिंह के साथ इश्क फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कल्लू की ये हीरोइन के साथ उनकी ये तस्वीर का कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसमें हाल ही में फिर अरविंद अकेला कल्लू का एक वीडियो शेयर हुआ है। जी हाँ, उस वीडियो में कल्लू यामिनी को गले लगा करके उन्हें रूट कर मनाते हुए दिखाई दिए हैं। और भाई, इस तरह का इन दोनों में प्यार देखने के बाद तो ये कहना गलत होगा कि इन दोनों के बीच प्यार का रिपेट। और भाई, इन दोनों के इस तरह का प्यार को देखने के बाद तो ये ऐसा लगता है कि कहीं इन दोनों के बीच प्यार का कोई सिलसिला ना शुरू हो जाए। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यामिनी इस समय पर कल्लू के साथ साथ पवन के नाम से भी काफ़ी फेमस हो रही है। जी हाँ, और वो है तब से जब से उन्होंने फिल्म बॉस को साइन किया है। आज के भोजपुरी गॉसिप से जुड़ल प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात ऐसे गॉसिपिंग भरल खबर का साथ। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। स्टार्ट योर करियर विद अस।